दोस्तों, आज हम आपके लिए पवनदीप राजन से जुड़ी एक ऐसी खबर लेकर आ गए हैं जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पवनदीप और अरुंधकांजी लाल से नहीं बल्कि केवल पवनदीप राजन से ही जुड़ी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये खबर उन लोगों के लिए सबसे खास है जो लोग हिंदी भाषा में गाना सुनना पसंद करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पवनदीप राजन के पिता सुरेश राजन ने पवनदीप राजन को लेकर एक गाना तैयार किया था और जिसका टीजर पवनदीप राजन के पिता सुरेश राजन ने रिलीज भी किया है, जो कि 27 तारीख को रिलीज होने वाला है। तो आपको बता दें कि पवनदीप राजन के पिता सुरेश राजन ने इसी गाने को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। दरअसल आपको बता दें कि जब पवनदीप राजन के फैंस को इस बात का पता चला था कि पवनदीप और उनके पिता सुरेश राजन ने एक गाना तैयार किया है जिसका नाम एक काली गवाला है और जो कि उत्तराखंड भाषा में रिलीज होने वाला है, तो आपको बता दें कि पवनदीप राजन के वो फैंस काफी दुखी हो गए थे जिन्हें उत्तराखंडी भाषा नहीं आती है। क्योंकि आपको बता दें कि उनका कहना था कि पवनदीप राजन और उनके पिता सुरेश राजन को ये गाना हिंदी भाषा में भी रिलीज करना चाहिए। तो अब आपको बता दें कि पवनदीप राजन का यही गाना यानी एक काली गवाला हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि खबरों की माने तो कहा यह जा रहा है कि लोगों को इस गाने का टीजर इतना ज्यादा पसंद आया है कि इस गाने का रिलीज होने का वेट वो अभी से शुरू कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बल आपका इस गाने को लेकर क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।